नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राज डिफेंस इंस्पायर में। आज का हमारा इम्पोर्टेंट सेशन से टोक्यो ओलंपिक के बारे में 2020 में हुआ था। साथियों 2020 इसका नाम है, हुआ था 2021 में टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के महत्वपूर्ण सेशन से। साथियों जैसा कि हमने पिछले 2-3 महीनों में देखा है, सभी पेपर किसी भी पेपर उठा के देख लीजिए, टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक का आपको 100% क्वेश्चन मिलता है। दोस्तों पहले तो आज दीपावली है, इस दीपावली की पावन त्यौहार पर आप सभी को शुभकामनाएं, त्यौहार वेलकम है सभी का इस हमारे चैनल पर और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का हमारा सेशन है टोक्यो ओलंपिक 2020। साथियों ये टोक्यो ओलंपिक हुआ कब था इसकी बात करें तो 2021 में हुआ था। मेरे प्यारे साथियों नोट आउट कर लीजिए, अपने पेन और कॉपी बैठ लीजिएगा और 2021 में टोक्यो ओलंपिक हुआ था। सबसे पहले टोक्यो ओलंपिक समिति की बात करें, टोक्यो ओलंपिक के जाने से पहले ही हम ओलंपिक समिति की बात कर लेते हैं। ओलंपिक समिति का मुख्यालय की हेडक्वार्टर की बात करें, मेरे प्यारे साथियों तो वो ल्यूसान हो जाता है, ल्यूसान है। साथियों नोट आउट कर लीजिएगा अपने पेन और नोटबुक के साथ, ल्यूसान इस ओलंपिक समिति का मुख्यालय हो जाता है। और ल्यूसान कहां पर स्थित है मेरे प्यारे साथियों, ल्यूसान स्विट्जरलैंड में स्थित है। जबकि टोक्यो ओलंपिक समिति, मेरे प्यारे दोस्तों नोट आउट कर लीजिए, ओलंपिक समिति के जो साथियों जो अध्यक्ष हैं अभी थॉमस बॉक, वो भी नोट आउट कर लीजिए कि अभी आप हमारे साथियों थॉमस बॉक जो प्रेसिडेंट है टोक्यो ओलंपिक समिति के, थॉमस बॉक साथियों ये आप नोट आउट कर लीजिएगा, थॉमस बॉक क्या है प्रेसिडेंट है। अब टोक्यो ओलंपिक में ध्वजवाहक की बात करें साथियों, भारत की तरफ से गए थे उनमें से ध्वजवाहक कौन था टोक्यो ओलंपिक की बात कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो ध्वजवाहक सबसे पहले ध्वजवाहक की बात करें तो एमसी मेरिकॉम मनप्रीत सिंह। साथियों समापन समारोह की बात नहीं कर रहे हैं, शुरुआत में बात कर रहे हैं टोक्यो ओलंपिक में हमारे भारत की तरफ से कौन ध्वजवाहक थे, तो एमसी मेरिकॉम जो की बॉक्सिंग की खेल से बिलोंग करते हैं और मनप्रीत सिंह जो इंडियन हॉकी टीम उसके कप्तान है मनप्रीत सिंह, वो हमारे ध्वजवाहक हो जाएंगे टोक्यो ओलंपिक के शुभारंभ में। साथियों समापन की बात करें बजरंग पूनिया, मेरे प्यारे साथियों हरियाणा का रहने वाला बजरंग पूनिया हमारे जिले टोक्यो ओलंपिक में ध्वजवाहक के रूप में है समापन समारोह में मेरे प्यारे साथियों। अब हमने शुभंकर की बात कर ले टोक्यो ओलंपिक के बारे में, शुभंकर की बात कर ले मेरे प्यारे दोस्तों, तो शुभंकर हो जाएगा मराई ताइबो क्या हो जाएगा टोक्यो ओलंपिक में शुभंकर। और टोक्यो ओलंपिक गीत लिखा था साथियों मोहित चौहान के द्वारा मेरे प्यारे साथियों, लक्ष्य तेरे सामने है तू कर जो करना है, लक्ष्य तेरे सामने है, यह टोक्यो ओलंपिक में शुभंकर था मेरे प्यारे साथियों, गीत के तौर पर था टोक्यो ओलंपिक में शुभंकर था साथियों, मोहित चौहान के द्वारा लिखित, लक्ष्य तेरे सामने, किसके द्वारा लिखित, मोहित चौहान के द्वारा लिखित मेरे प्यारे दोस्तों, मोहित चौहान के द्वारा लिखित टोक्यो योग्य। अब हम टोक्यो ओलंपिक के बारे में बात कर ले मेडल के बारे में मेरे प्यारे साथियों, आराम से समझाएंगे आपको एक एक चीज, हमारे साथ लाइट तक बने रहिएगा, आनंद आ जाएगा आज का सेशन। टोक्यो ओलंपिक में साथियों मेडल की बात करें 1, 2+4 मेरे प्यारे साथियों, टोटल मेडल मेडल भारत की जेल में आए थे साथियों 7 मेडल, कितने मेडल आए थे 7 मेडल आए थे मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहला मेडल की बात करें गोल्ड मेडल, एक गोल्ड मेडल आया था, गोल्ड मेडल विजेता नाम है, गोल्ड मेडल किसने जीता था आप सभी को पता, सभी को सोशल मीडिया की मीडिया से आपने इनका नाम भी सुना होगा, नीरज चोपड़ा क्या हो जाएगा साथियों, गोल्ड मेडलिस्ट हो जाएंगे इंडिया की तरफ से। किस खेल से बिलोंग करता है नीरज चोपड़ा तो आपको बताना कैसे, बाला फेंक साथियों, जेवलिन थ्रो बाला फेंक से बिलोंग करते हैं नीरज चोपड़ा साथियों, बाला फेंक नोट आउट कर लीजिए अपने पेन और कॉपी के साथ बैठ लीजिए कि बाला फेंक से बिलोंग करते हैं नीरज चोपड़ा साथियों। नीरज चोपड़ा ने कौन सा गोल्ड मेडल जीता मेरे प्यारे दोस्तों, कितना ऊंचा कितना लंबा बाला फेंका तो आपको बताना मेरे प्यारे साथियों, 87.58 मीटर साथियों बाला फेंककर ये कीर्तिमान स्थापित किया, भारत को गोल्ड मेडल दिया साथियों। ये कब दिया गया जो बाला फेंका उसकी डेट कब थी, 7 अगस्त 2021 मेरे प्यारे साथियों, 7 अगस्त 2021 थी, 7 अगस्त को इसी बाला फेंकने की वजह से मेरे प्यारे दोस्तों 7 अगस्त तो जेवलिन थ्रो डे मनाया जाता है साथियों, जेवलिन थ्रो डे कब मनाया जाता है 7 अगस्त को मेरे प्यारे स्टूडेंट नोट आउट कर लीजिए, जेवलिन थ्रो डे कब मनाया जाता है 7 अगस्त, बाला फेंक दिवस मेरे प्यारे साथियों, बाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है नोट आउट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा बाला फेंक दिवस। ये आपके गोल्ड मेडल, एक गोल्ड मेडल हो जाएगा भारत की झोली में आया था नीरज चोपड़ा के द्वारा मेरे प्यारे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इस सेशन को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ही प्यारा सेशन से क्वेश्चन आपको मिलेगा किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे तो। इसमें हमने कर लिया नीरज चोपड़ा के बारे में, बाला फेंक दिवस के तौर पर हमने पढ़ा 7 अगस्त को मनाया जाता है, हम छोटा सा नोट आउट आपके और भी लिखते हैं 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है मेरे प्यारे साथियों, तो बाला फेंक दिवस है ना,
अब दो मेडल की, सिल्वर मेडल की बात कर ले मेरे प्यारे दोस्तों। सिल्वर मेडल, दो मेडल जीते थे भारत की ओर से, सिल्वर मेडल आए थे, एक तो मीरा भाई चानू द्वारा, एक रवि दहिया द्वारा। साथी और मीरा भाई चानू ने सर्वप्रथम टोक्यो ओलंपिक में जो मेडल जीता था वो मीरा भाई चानू ने जीता था मेरे प्यारे साथियों। स्टार्टिंग में कब जीता था साथियों? स्टार्टिंग में जीता था मीरा भाई चानू और रवि दहिया ने। एक उनका नाम निकला पहले मीरा भाई चानू, मेरे प्यारे साथियों मीरा भाई चानू और रवि दहिया, इन्होंने क्या जीता था साथियों? सिल्वर मेडल जीता था। कितने सिल्वर मेडल जीते थे? तो टोटल भारत ने दो सिल्वर मेडल जीते थे। अब कौन कौन से खेल से बिलोंग करते हैं मेरे प्यारे साथियों? मीरा भाई चानू और रवि दहिया, इनके बारे में देख लेते हैं। वेट लिफ्टिंग से बिलोंग करते हैं कौन? मीरा भाई चानू साथियों 49 केजी किलो वर्ग से बिलोंग करते हैं। वेट लिफ्टिंग का मतलब होता है साथियों, वेट लिफ्टिंग लिख लीजिए, वेट लिफ्टिंग भारतोलन, वेट लिफ्टिंग भारतोलन की बात कर ले साथियों। भारतोलन ये इंग्लिश में लिखते हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए ये आसान हो जाएगा। वेट लिफ्टिंग 49 केजी ग्राम से ये केजी से बिलोंग करता है मेरे प्यारे साथियों। रवि दहिया, रवि दहिया 57 से बिलोंग करता है केजी से, ये कुश्ती से बिलोंग करते हैं। नोट आउट कर लीजिए, दोनों ने सिल्वर मेडल जीता। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन हो रहा है मेरे प्यारे साथियों, लाइक करना, कमेंट करना कैसा लगा आज का सेशन, मोटिवेशन देना मेरे को भी। अब हमने क्या पढ़ा साथियों? हमने पढ़ लिया था दो के बारे में, पढ़ लिया किसके बारे में? दो के बारे में, दो सिल्वर मेडल के बारे में पढ़ लिया, मीरा भाई चानू और रवि दहिया, किससे? 49 केजी वर्ग से, और रवि दहिया 57 केजी वर्ग से, दोनों ही कौन से? सिल्वर मेडलिस्ट। अब चार बात कर लेते हैं मेरे साथियों, ब्रॉन्ज मेडल, कौन सा मेडल? ब्रॉन्ज मेडल की बात कर लेते हैं। कितने? चार। चार हमने कांस्य पदक की बात कर लेते हैं मेरे प्यारे साथियों, कांस्य पदक, कौन से पदक? कांस्य पदक। अब चार में से कौन कौन चार, इनके बारे में नोट आउट कर लेंगे मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहला इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है पीवी सिंधु साथियों, बैडमिंटन के खिलाड़ी पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता। पीवी सिंधु एक बार लिख लीजिएगा अपने इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट और हिंदी स्टूडेंट दोनों लिख लीजिएगा। पीवी सिंधु कौन सा मेडल जीता था? कांस्य पदक। किसने? पीवी सिंधु ने मेरे प्यारे साथियों, पीवी सिंधु ने कौन सा मेडल जीता? कांस्य पदक। किससे बिलोंग करता? बैडमिंटन से बिलोंग करता। एक भारतीय हॉकी टीम साथियों, भारतीय हॉकी टीम ने भी जीता था कौन सा मेडल? तो हम बताएंगे कांस्य पदक, ठीक है। और तीसरा हम मेरे प्यारे साथियों इंपोर्टेंट हो जाएगा बजरंग पूनिया, आपको बता दें दौज वाक के तौर पर समापन समारोह में टोक्यो ओलंपिक में दौज वाक ही था बजरंग पूनिया, बजरंग पूनिया। और चौथा किसने जीता हम आपको बताएंगे मेरे प्यारे साथियों, चौथा किसने जीता एक बार हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक, आपको मजा आएगा। लवलीना बोरमोहन साथी, इंपोर्टेंट नाम हो जाएगा लवलीना बोरमोहन, इन्होंने भी एक कांस्य पदक जीता। लवलीना बोरमोहन ये हो जाएगा इंपॉर्टेंट हमारे जो नाम है, किस किस ने कौन सा मेडल जीता। अब हम आपको मेरे साथ अब आपको बताएंगे हमने अभी तक क्या पढ़ा साथियों। शुरुआत में हमने पढ़ा था कौन सा साथियों? टोक्यो ओलंपिक कहां पर हुआ था? जापान हुआ था, जापान इसका आयोजन था। कौन से नंबर का हुआ था ये तो आपको बताना भूल गया मेरे प्यारे साथियों, 32 32वां टोक्यो ओलंपिक हुआ था साथियों। कहां पर हुआ था? जापान में हुआ था। कहां पर हुआ था? जापान में। इसमें सबसे पहला पॉइंट पढ़ा था ओलंपिक समिति के बारे में, ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर लुसान है, जबकि इसके अध्यक्ष कौन है साथियों? थॉमस बॉक इज द प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक ओलंपिक समिति। अब हम गीत कौन सा था? लक्ष्य तेरे सामने, किसके द्वारा? मोहित चौहान द्वारा लिखित गीत था लक्ष्य तेरे सामने टोक्यो ओलंपिक के बारे में, और एक शुभंकर था मराई ताइबो साथियों। ये हमने पढ़ लिया था और सात मेडल से टोटल ये हमने पढ़ लिया था मेरे प्यारे साथियों, हमारे साथ बने रहे, मजा आएगा। अब आपको एक बार विस्तार से हमने टोटल पदक की बात करें, जो नोट आउट अच्छे तरह नहीं कर पाया कोई बात नहीं, हम आपको विशेष करते हैं। सात पदक जीते थे, एक गोल्ड मेडल जीता था साथियों, गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने जीता। हमारे साथ बने रहिए, मजा आएगा साथियों तक। नीरज चोपड़ा आपको ये इसी क्लास में याद सब कुछ करा दूंगा, हमारे साथ बने तो रहिए साथियों। गोल्ड मेडल जीता था एक, मतलब दो जीते थे कौन से? सिल्वर मेडल मेरे प्यारे साथियों, सिल्वर मेडल कितने जीते थे? दो जीते, और साथियों चार ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। अब किस किसने जीते थे सिल्वर मेडल? सिल्वर मेडल दो जीते थे मेरे प्यारे साथियों, किस किसने जीते थे वो हम बता रहे हैं। मीरा भाई चानू साथी, और दूसरा जीता था मेरे प्यारे साथियों रवि दहिया। मेरे प्यारे स्टूडेंट ब्रॉन्ज मेडल की बात करें, हमारे साथ बने रहे लिस्ट तक, ब्रॉन्ज मेडल टोटल चार जीते थे, एक तो हॉकी टीम ने मेरे प्यारे साथियों, हॉकी टीम ने दूसरा जीता था मेरे प्यारे साथियों, हॉकी टीम ने एक तो मेरे प्यारे साथियों, एक तो हॉकी टीम ने बजरंग पूनिया मेरे प्यारे साथियों, तीसरा जीता था लवलीना बोरगोहन मेरे प्यारे साथियों, चौथा जीता था कौन सा जीता था? चौथा मेरे प्यारे स्टूडेंट पहला जीता था किसने जीता था? पीवी सिंधु मेरे प्यारे स्टूडेंट पीवी सिंधु चौथा हो जाएगा। हमने ये हमने पढ़ा दिया था सातों के बारे में। अब थोड़ा सा इस टोक्यो ओलंपिक में एक चीज और रह गई कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो हम इसके बारे में चर्चा कर ले। सब साथियों पहले स्थान पर कौन रहा था इसमें? भारत की रैंक थी 48th रैंक थी किसकी? टीम इंडिया की। किसमें? टोक्यो ओलंपिक में। किसकी रैंक? इंडिया की। जबकि पहले स्थान पर कौन रहा था? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट छपा हुआ मिलेगा आपको एग्जामिनेशन में कि फर्स्ट रैंक किसकी थी? फर्स्ट रैंक यूएसए की थी मेरे प्यारे स्टूडेंट, फर्स्ट रैंक यूएसए की। सेकंड रैंक की बात करें तो चाइना की थी सेकंड रैंक मेरे प्यारे स्टूडेंट। थर्ड की बात करें जापान,
जापान रही थी तीसरे नंबर पर और भारत की रैंक रही थी 48 नंबर पर। भारतीय इंडिया की रैंक रही थी। मेरे प्यारे साथियों, भारत ने टोटल एक गोल्ड मेडल जीता। कितना? एक गोल्ड मेडल। साथ के साथ दो सिल्वर मेडल जीते, दो सिल्वर मेडल। साथ के साथ मेरे प्यारे साथियों तीन ब्रॉन्ज मेडल जीते, तीन ब्रॉन्ज मेडल। मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये भारत ने जीते थे 48 रैंक के साथ। मेरे प्यारे स्टूडेंट, जापान की रैंक के बारे में पता करें तो जापान की पहली रैंक थी, सॉरी जापान की तीसरी रैंक थी, यूएसए की पहली रैंक थी, चाइना की दूसरी रैंक थी। मेरे प्यारे स्टूडेंट, हमने टोक्यो ओलंपिक के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे हमने एक साथ पढ़ लिए थे। अब हम साथ के साथ ही मैंने सोचा पैरालंपिक के बारे में थोड़ा कुछ जान ले। मेरे प्यारे साथियों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट की बात करें, टोक्यो ओलंपिक में बोलूंगा लिखूंगा नहीं, अभिनव बिंद्रा ने आपका नाम सुना था पहला व्यक्ति के तौर पर। मेरे प्यारे स्टूडेंट, पहला व्यक्ति के तौर पर जो टोक्यो जितने भी ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल जीतने वाला अभिनव बिंद्रा 2008 में जीता था। मेरे प्यारे साथियों, ये आप अलग से नोट आउट कर लीजिएगा। और पैरा ओलंपिक की बात करें मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो भी पैरा ओलंपिक कौन से नंबर का था पहले, सबसे पहले यह ना 16 नंबर का था टोक्यो पैरा ओलंपिक। मेरे प्यारे साथियों, पैरा ओलंपिक कौन से नंबर पर का? 16 नंबर का पैरा ओलंपिक। इसमें का सबसे पहले हमने बात करें इसका शुभंकर की साथियों, शुभंकर की मेरे प्यारे साथियों, शुभंकर था सोमेटी इसका शुभंकर है टोक्यो पैरा ओलंपिक का। काम हुआ था जापान में होता। शुभंकर कौन सा था साथियों? सोमेटी। इसका गीत की बात करें किसके द्वारा लिखित था, गीत का नाम क्या था, हम आपको बताएंगे। कर दे कमाल, मेरे प्यारे साथियों, कर दे कमाल गीत था, कर दे कमाल इसका गीत था टोक्यो, किसका? टोक्यो पैरा ओलंपिक की बात करें मेरे प्यारे साथियों, गीत था कर दे कमाल। कौन सा था? कर दे कमाल गीत था टोक्यो पैरा ओलंपिक। अब आप बोलेंगे सर आप गीत तो था आपने बता दिया कर दे कमाल, लेकिन किसके द्वारा लिखे गए था? तो आपको बता दें संजीव कुमार, नोट आउट कर लीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, संजीव कुमार द्वारा लिखित यह गीत था। मेरे प्यारे स्टूडेंट, हमने गीत और शुभंकर के बारे में बात कर ली। अब मेरे प्यारे साथियों, ध्वज वाक्य इंपॉर्टेंट हो जाता है ध्वज वाक्य के तौर पर। हमारे साथ बने रहिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्वज वाक्य के तौर पर हम पढ़ेंगे टोक्यो पैरा ओलंपिक। कहां पर? 2020 था, लेकिन हुआ 2021 में, कोविड-19 की वजह से एक साल आगे खींच सके। मेरे प्यारे साथियों, हमने ध्वज वाक्य की बात कर रहे हैं, किसके बाद? ध्वज वाक्य की बात कर रहे हैं। ध्वज वाक्य एक तो होता है साथियों, दो टाइप के ध्वज वाक्य होता है टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। सबसे पहला बात करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्वज वाक्य, एक तो शुरुआत की बात करें, शुरुआत स्टार्टिंग की बात करें, एक तो समापन समारोह की बात करें, एक होता समापन समारोह स्टार्टिंग बात करें। समापन शुरुआत की बात कर ले, सबसे पहला नाम था मरियप्पा थंगावेरू। साथियों टोक्यो पैरा ओलंपिक शुरुआत स्टार्टिंग होने से पहले मरियप्पा थंगावेरू का नाम आया था कि मरियप्पा थंगावेरू हमारे इंडिया की तरफ से ध्वज वाक होगी। लेकिन साथियों मरियप्पा थंगावेरू को क्या क्या ऊंची कूद से बिलोंग करता है आपको बताते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से विजेता मरियप्पा थंगावेरू को कोविड-19 होने की वजह से उनका नाम हटा दिया गया, उसकी जगह नए नाम आए थे साथियों टेकचंद। मेरे प्यारे स्टूडेंट नोट आउट कर लीजिएगा, एग्जाम आएगा, नेक्स्ट एग्जाम है, जितने भी एग्जाम है कॉम्पिटेटिव उसमें से आएगा टेकचंद। क्या हो जाएगा? ध्वज वाक हो जाएगा, किसमें? टोक्यो पैरा ओलंपिक में। मेरे प्यारे साथियों समापन समारोह की बात करें हम, अवनी लखेरा साथियों हमने टोक्यो ओलंपिक के बारे में जानकारी लेने के बाद हम टोक्यो पैरा ओलंपिक की बात करें। 16 नंबर का पैरा ओलंपिक है 2020 साथियों, 2021 में हुआ था। इस पैरा ओलंपिक के शुभंकर की बात करें सोमेटी शुभंकर हो जाएगा, गीत हो जाएगा कर दे कमाल। मेरे प्यारे साथियों नोट आउट कर लीजिएगा, सोमेटी शुभंकर गीत हो जाएगा कर दे कमाल। किसको द्वारा लिखित? संजीव कुमार द्वारा लिखा गया। मेरे प्यारे साथियों हम एक शानदार नाम की तरफ बढ़ रहे हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक, अवनी लखेरा एक नोट आउट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा अवनी लखेरा। मेरे प्यारे साथियों अवनी लखेरा की बात करें हम तो अवनी लखेरा शूटिंग से बिलोंग करती है। किससे? किस गेम से? शूटिंग से। और ये इन्होंने ओलंपिक की बात करो चाहे आप टोक्यो पैरा ओलंपिक की बात, ये पहली महिला हो जाएगी जिन्होंने साथियों गोल्ड मेडल जीता अवनी लखेरा। अब हम टोक्यो ओलंपिक भारत की रैंक की बात करें मेरे प्यारे साथियों, भारत की रैंक 24th 24वीं रैंक आई थी भारत की, ये आप याद रखना। और फर्स्ट रैंक चाइना की आई थी, किसकी? चाइना की, सेकंड यूएसए, ये एक बात नोट आउट कर लेना, फर्स्ट चाइना की, सेकंड यूएसए, भारत की 24th 24वीं साथियों ये नोट आउट कर लीजिएगा। पहले आई थी चीन की साथियों, ये नोट आउट कर लीजिएगा। और इसमें भारत की तरफ से टोटल मेडल की बात करें, टोटल जो 19 मेडल आई थी भारत की तरफ से मेरे प्यारे साथियों, भारत की तरफ से 19 कितने आए थे? पांच आए थे गोल्ड मेडल, कौन से? 12th गोल्ड मेडल साथियों, 8 सिल्वर मेडल, साथ के साथ ही 5 गोल्ड 8 सिल्वर के बाद में साथियों 19 में से निकाल दो ये, बाकी बचे वो ब्रॉन्ज हो जाएगी। बाकी कितने बचे? 6 बचे मेरे प्यारे साथियों, 6 हो जाएंगे आपके कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल। आशा करता हूँ आज का सेशंस आपको अच्छा लगा होगा।
मैं आशा करता हूँ आज का सेशन अच्छा लगा होगा। जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। इंपॉर्टेंट सेशन हो जाएगा आज का मेरे प्यारे साथी हूँ। टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक बारे में आने वाले सभी एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पैरा ओलंपिक की बात करें, एक बार शॉर्ट रिवीजन की बात करें, 16 नंबर का पैरा ओलंपिक है, सुपर हो जाएगा सोमेटी, कर दे कमाल इसका गीत हो जाएगा जो संजीव कुमार द्वारा लिखे थे। मेरे प्यारे साथियों भारत की लैंक 24th आई थी जिसमें पहले स्थान पर चीन आए थे। मेरे प्यारे स्टूडेंट अपने लिखे रहे नाम याद रखना, हमने लिखा जो कि शूटिंग से बिलोंग करते हैं। ओलंपिक की बात करो, पैरा ओलंपिक की बात करो, इसमें से जो गोल्ड मेडल विजेता उन्हें लिखे रहा साथियों। टोटल पते हुए थे भारत में 19वें, जिसमें 5 गोल्ड 8 सिल्वर 6 ब्रॉन्ज मेडल हुए थे। आशा करता हूँ आज का सेशन बहुत अच्छा लगा। चैनल को कैसा लगा कुछ बताना, लाइक करना, वीडियो को कमेंट करना।